हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 फेस वॉश फॉर ड्राई स्किन। मेरा स्किन ड्राई है, मैं उसी हिसाब से आपको आज फेस वॉश रिकमेंड करूंगी। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश अवेलेबल हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ, जो मेरे पास है, जो मुझे पसंद है, जो मुझे सूट करता है, मैं वही आज आपको रिकमेंड करूँगी। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं फेस वॉश रिकमेंड करूंगी, ये है हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप फेस वॉश है, सभी स्किन टोन के ऊपर ये सूट कर जाता है। और इसके अंदर नीम और टर्मरिक है, आप सभी को पता होगा नीम टर्मरिक कितना अच्छा होता है फेस के लिए। नीम जो है पिंपल को घटाने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि पिंपल सिर्फ नॉर्मल स्किन और ड्राई स्किन वालों के ऊपर नहीं आता है, ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर आता है, ऐसा नहीं। पिंपल सभी स्किन के ऊपर आता है, मेरे स्किन के ऊपर भी आता है। जब भी मुझे पिंपल होता है मैं इसे लगातार 4-5 दिन इसे यूज़ करती हूँ और 4-5 दिन के बाद मेरा पिंपल कम हो जाता है, कुछ दिनों के लिए कम हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। जो टीनेजर है, जो कॉलेज जाते हैं, उनको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। ऐसा नहीं है, और ये जो फेस वॉश है सभी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, कोई भी स्किन टाइप हो और कोई भी एज ग्रुप हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सबके ऊपर काम करता है। ये मैं कॉलेज के टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी, अभी भी कर रही हूँ। और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ये 100 ml क्वांटिटी है और इसका जो प्राइस है 100, और ये सो फ्री फेस वॉश है। नेक्स्ट जो फेस वॉश मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ये सेम हिमालय जेंटली हाइड्रेटिंग फेस वॉश। आपको याद होगा मैं ये फेस वॉश अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं। ये जो फेस वॉश है स्पेशल फॉर ड्राई स्किन वालों के लिए है, इसे ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टेक्स्चर है क्रीमी टेक्स्चर है, जब इसे आप लगाएंगे तो ये इतना लैदर नहीं करता है। और इसके अंदर एलोवेरा कुकुम्बर है, आप सभी को पता होगा एलोवेरा कुकुम्बर स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, फेस को क्लीन सॉफ्ट और नरिश रखने में हेल्प करता है। और मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी ड्राई स्किन वालों के लिए। ये इसे यूज़ करने के बाद बिल्कुल भी फेस ड्राई नहीं लगता है और इसे मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली मेरा सेकेंड ट्यूब है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी 100 ml क्वांटिटी का है और इसका जो प्राइस है 100। जो फेस वॉश है ये निविया का फेस वॉश है, ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। न्यूली मतलब एक साल हो गया होगा इसे लॉन्च करते हुए। निविया ने हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग फेस वॉश निकाला है, जैसे ये ड्राई स्किन वालों के लिए है, वैसे ही ऑयली स्किन वालों के लिए, नॉर्मल स्किन वालों के लिए, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए अलग अलग से फेस वॉश उन्होंने निकाला है। और ये जो फेस वॉश है इससे स्पेशल फॉर ड्राई स्किन वालों के लिए है। इसके अंदर मिल्क और हनी है, आप सभी को पता होगा मिल्क और हनी ड्राई स्किन वालों के लिए कितना अच्छा होता है। मिल्क स्किन को क्लीन और ब्राइट करने में हेल्प करता है, हनी स्किन को नरिश सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है। और इसे मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली मेरा एक्चुअली मैंने ये अमेजन से लिया था और एक के साथ एक मुझे फ्री मिला था, और इसमें भी आपको बड़ा साइज ट्यूब मिल जाएगा और ये 50 ml क्वांटिटी का है, 85 इसका प्राइस है। ये सोप फ्री फेस वॉश है और इसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ड्राई स्किन वालों के लिए। और इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो नाम के लिए है, और ये लिक्विड फॉर्मूला में आता है, वाइट कलर में आता है और ये लिक्विड है। और इसका स्मेल अमेजिंग है, माइंड ब्लोइंग, सॉरी मेरे नाक में लग गया। ओके, इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है और ये
काम भी बहुत ही अच्छा कर। नेक्स्ट जो फेस वॉश है ये है वाव एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट फेस वॉश है। आपको यूट्यूब में हजारों से भी ज़्यादा आपको इसके बारे में आपको रिव्यू आपको मिल जाएगा। इसे मैं पिछले 4-5 महीने से इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब तक ये मार्केट में है इसे मैं हमेशा इसे यूज़ करती रहूँगी। सबसे पहले आप इसका पैकेजिंग देखें। यहाँ पर आपको ब्रश मिल रहा है फेस को क्लीन करने में, और इसका जो ब्रिसल है बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है। आप फेस को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से फेस वॉश निकलेगा। ये फोमिंग फेस वॉश है और ये ऑल स्किन टाइप फेस वॉश है। सभी स्किन टोन के ऊपर काम कर जाता है, सभी यानी कि सभी स्किन टोन को सूट कर जाता है। और इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर है, ये फेस को डीपली क्लीन करता है। चाहे आप जो कोई भी फेस वॉश यूज़ क्यों ना करें, फेस को डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ये फेस को डीप क्लीन करता है। अगर आपके फेस में छोटे 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 मोटे जो डार्क स्पॉट रह जाता है पिंपल्स के बाद, वो घटाने में हेल्प करता है। ये मुझे डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करता है। मैं फेस वॉश करती हूँ 30-40 सेकेंड के लिए, और ये मेरे फेस को डीपली क्लीन करता है और डेड स्किन को रिमूव करता है। डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है या नहीं करता है, ये इतना ज़्यादा मैंने इतना नोटिस नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये डार्क स्पॉट को इतना कोई क्लीन करता है। लेकिन फेस को डीप क्लीन करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। अब पाओ का जितना भी सारा प्रोडक्ट होता है वो नेचुरल होता है। इसमें आपको कोई पैराबिन नहीं मिलेगा, सल्फेट नहीं मिलेगा, सिलिकन नहीं मिलेगा, कोई कलर्स नहीं मिलेगा। और ये 100 ml क्वांटिटी में आता है और इसका प्राइस 299। आप इसे नायका, पर्पल और अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फेस वॉश है ये पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी फेस वॉश है। इसे मैं करेंटली यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से पड़ा था, मैं इसे यूज़ नहीं कर रही थी, अब मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है। ये है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी स्पॉटलेस फेयरनेस फेस वॉश और इसके अंदर विटामिन B3 है। कंपनी वालों ने जो रिकमेंड कर रहे हैं मैं वो आपको पढ़ के सुना रही हूँ। पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी स्पॉटलेस फेयरनेस फेस वॉश क्लिनिकली प्रूवन टू रिड्यूस डार्क स्पॉट फॉर स्पॉटलेस फेयरनेस व्हेन यूज ट्वाइस डेली। आपको इसे दो बार यूज़ करना है और ये डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मैं अगर मेरा ओपिनियन आपको बताऊंगी, मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ और इसका जो फॉर्मूला है काफ़ी ठीक है और ये क्रीमी फॉर्मूला में आता है। और बस आपको बस इतना सा अमाउंट ही चाहिए और पूरे फेस के लिए इनफ होता है। और जब इसे लगा देती हूँ तो मेरा फेस बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है और इंस्टेंट ब्राइट लगने लगता है। आई थिंक ये जो फेस वॉश है समर के लिए परफेक्ट है। और इस पे तो लिखा नहीं है ये कोई ऑल स्किन का, ये सभी के ऊपर सूट करेगा और ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला काफ़ी ठीक है और ये फेस को ड्राई नहीं करता है और फेस को इंस्टेंट ब्राइट कर देता है, तो मुझे ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसका जो प्राइस है 140। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।